नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज फिर से हाजिर हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में पढ़ा हुआ है केपलर्स के और लॉज, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, आज हम लोग उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये टॉपिक थोड़ा ईजी है, आप लोग 9th पढ़ाई है, वही एफ बराबर जी एम वन एम टू बाय आर का स्क्वायर हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर का स्क्वायर है ना था। और ये जो फोर्स था दो बॉडीज़ के बीच में लगता था, याद होगा है ना। एक पॉइंट मास था एम वन और एक एम टू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस था आर, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था हम लोग कहते थे वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था। न्यूटन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं ना, वो एप्पल गिरने के बाद उन्होंने ढूंढा था। बट मैं आज आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें इसी के बेस पर समझाऊंगा। तो मेरा नाम है राज आर्यन और आप लोगों पढ़ रहे हैं फिजिक्सियम, है ना। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले न्यूटन के बारे में जान लेते हैं। न्यूटन एक ब्राइट पर्सन था, ठीक है, और उन्होंने बेसिक स्कूलिंग शायद गांव से ही स्टार्ट की थी, एंड देन फिर वो कैम्ब्रिज गया, और कैम्ब्रिज में कुछ लंदन में कुछ ऐसा महामारी पेचिस वगैरह या कुछ हुआ था, प्लेग हुआ था, तो वो वहाँ से आ गया था। उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी नेचर को लेकर के, नेचर में चीज़ें कैसे काम करती है, और उनकी क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर के भी थी कि वो गैलीलियो, है ना, जिनके बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिकल जो इक्वेशंस थे वो सारी गैलीलियो की थी हुई थी, और इनर्शिया के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी गैलीलियो ने, है ना। तो उनको ये ज़्यादा स्टडी करना चाह रहे थे, आखिर मोशन कैसे होता है ना, कोई चीज़ें मोशन क्यों करती है। तो फोर्स के का कॉन्सेप्ट इन्होंने समझा, है ना। फोर्स आप लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है ना। तो अगर मैं किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाऊं तो मैं कहूंगा कि उस बॉडी पर एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, यानी कि वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, है ना। वी वेक्टर जो है हमारा वो चेंज कर जाएगा, ये चेंज करते रहेगा, ये कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। ये था फोर्स, है ना, हम लोग पढ़े हुए फोर्स के बारे में। न्यूटन यही चीज़ समझना चाहता था कि फोर्स के और क्या क्या अच्छे अच्छे मायने हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फोर्स लगता है, कोई बॉडी अर्थ के तरफ ही अट्रैक्ट क्यों होती है, है ना। इसके बारे में बहुत सारे लोग पहले से ही बात करते थे कि अर्थ के तरफ क्यों कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है, सिर्फ न्यूटन ने नहीं बात किया था। लेकिन न्यूटन ने एक चीज़ जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया, है ना, इन फोर्सेस को उन्होंने बोला कि अर्थ के पास एक ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो कि वो किसी भी बॉडी को अपने तरफ खींच लेता है, और उसने उस प्रॉपर्टी को कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। उन्होंने उस फोर्स को क्या कहा नाम, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिर्फ एप्पल गिरने से नहीं आया, उनके दिमाग में बहुत पहले से ये सारे सवाल चल रहे थे। वो तो गलती से एक पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था, है ना, एप्पल गिर जाता है और वो ऑब्जर्व करता है कि भाई ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, जरूर अर्थ ने जरूर इसको खींचा, क्योंकि कोई बॉडी अगर किधर की तरफ मोशन करता है, है ना। और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जो बॉडी था रेस्ट से, है ना, उसके पास वेलोसिटी आ गई किधर की तरफ, वेलोसिटी ये अभी यहाँ पर रेस्ट पे था, और इसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ आ रही है, जरूर इधर की तरफ एक्सेलरेशन हुआ। अरे बस है ना, एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन कितना है, तो गैलीलियो ने ऑलरेडी ये बता के रखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, है ना। जी का वैल्यू हर समय कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ये ऑलरेडी पता था हम लोग को इसकी वैल्यू, बट ये नहीं पता था कि आखिर ये है क्यों, कैसे है। इसके बारे में न्यूटन ने बताया कि अर्थ एक कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर लगा देता है ना, एक फोर्स लगा देता है, वो क्यों लगाता है, कितना होता है, उसके बारे में ही उन्होंने बाद में फॉर्मूले दिए, जिसको कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं।
समझ में आ गया न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। चलो ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट, इन्होंने कहा कि अगर दो बॉडी है मेरे पास, पॉइंट मास है m1 और दूसरा मास है m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, अरे बस समझ में, तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये दोनों पॉइंट मास है, मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, है ना। अच्छा चलो, कन्फ्यूजन हो जाएगा तो चलो ठीक है, उड़ाती है। ये एक पॉइंट मास, ये एक पॉइंट मास है, और दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि पहले वाले बॉडी ने इस वाले बॉडी को अपनी तरफ खींचना है, जिसको कि कहेंगे एफ टू पे लगा है वन के कारण, वन पे लगा है टू के कारण, है ना, एफ सॉरी वन पे लगा है टू के कारण, है ना, वन पे टू के कारण, मैं इसे वन बॉडी बोल रहा हूँ और ये टू बॉडी बोल रहा हूँ, तो वन पे लगा है टू के कारण, टू पे लगा है वन के कारण, है ना। तो उन्होंने कहा द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, बस कर बाबा कितना लिखाना है ना, सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, और कुछ बच गया लगता तो नहीं है। इन्होंने कहा, एकदम सिंपल सी बात है, समझना है, यहाँ पर बहुत आसान चीज़ है, ये हम लोग रटे हुए नाइन्थ से पढ़े हुए हैं बाबा, इसे कुछ है नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शनल होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स है, ये टू पॉइंट मास के बीच में लग रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी कि जो फोर्स है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आर, इसके इनवर्स रिलेशन में आ रहा है, यानी कि मैं अगर मास को बढ़ा दूं तो फोर्स बढ़ेगा, मास को अगर दो गुना कर दूं फोर्स दो गुना हो जाएगा, है ना, दोनों मास को दो दो गुना कर दूं तो फोर्स चार गुना हो जाएगा, कीपिंग डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, बट अगर मैं डिस्टेंस को दो गुना कर दूं तो फोर्स चार गुना कम हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, अगर मैं डिस्टेंस को दो गुना कर दिया तो टू आर हो जाएगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, यानी फोर टाइम्स घट जाएगा, और हम कहते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, कोई भी डिस्टेंट फोर्स पे हम लोग ये चीज़ को ऑब्जर्व करते, कोई भी अगर एक बॉडी है दूसरे बॉडी के ऊपर, जैसे कि हम लोग चार्ज का देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी ये चीज़ हमें दिखेगा, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह जैसे बायोट सेवर्ट्स लॉ, वहाँ पर भी हमको ये चीज़ दिख जाएगा, है ना, तो ये चीज़ आएगा, तो ये पॉइंट मास के अबाउट ये चीज़ें आ जाएंगी कि डिस्टेंस अगर दो गुना कर दिया तो फोर्स हमारा चार गुना कम हो जाएगा, तीन गुना कर दे तो नौ गुना कम हो जाएगा, और नौ गुना कर दे तो 81 टाइम्स, 81 का स्क्वायर नहीं पता। ओके, ये समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है, यहाँ तक कि आगे क्या कर सकते हैं ना, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, तो हमने मर्ज करना सीखा था बचपन से ही, तो मर्ज करने के बाद मिलता था जी एम वन एम टू, अब आई आर का स्क्वायर, कितना आसान है, तो जी का वैल्यू, जी क्या था हमारा, ये था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, क्या ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एकदम आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, और जिसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर बताया था, है ना, ये किसने ढूंढा था, हेनरी कैवेंडिश, न्यूटन ने नहीं ढूंढा था, न्यूटन ने सिर्फ जी बताया
कि बहुत फेंट होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, बट हम कैलकुलेट नहीं, इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, बाद में हेनरी कैवेंडिश ने इसको पता किया। मैं बता दूंगा कैसे ऐसे पता किया था उन्होंने। इज दैट ओके? चलो यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, और इवन सब कुछ पता ही होगा, ठीक है, कॉपी करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तुरंत सीखा क्या कि फोर्स का वैल्यू होता है जी एम वन इंटू एम टू बाय आर का स्क्वायर। कितना आसान है ना। चलो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो फोर्स है प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला है ना, इट इज सेंट्रल फोर्स। ये एक सेंट्रल फोर्स है। अब ये क्या होता है सेंट्रल फोर्स, है ना। मान लेते हैं एक बॉडी है, एक बॉडी है। सेंट्रल फोर्स मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर के तरफ ही फोर्स लगेगा, ये नहीं कि इसने इसको उधर की तरफ फोर्स लगा दिया, ये इसको इधर ही खींचेगा, ये इसको इधर ही खींचेगा, इधर नहीं खींचेगा, इधर नहीं खींचेगा, है ना, ये इधर ही खींचेगा। कोई दिक्कत है? इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं, यानी कि सेंट्रल लाइन पर ही लगेगा, और इवन ये अट्रैक्शनल है तो सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों के बीच में लगे, इधर तो लगने वाला से रहा, इधर लगने से रहा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, सेंट्रल फोर्स समझ आया ना, ये सेंट्रल फोर्स, सेंटर टू सेंटर का फोर्स लग रहा है। सेकेंड नंबर में इट इज इंटरनल फोर्स। ठीक है, इसने इसके ऊपर लगाया, इसने इसके ऊपर लगाया, इंटरनल इंटरनल खत्म, नोट खत्म, मैं बाहर कुछ नहीं। अगर मैं ऐसे सिस्टम के हिसाब से देखूं तो मैं ये कहूंगा कि जितना भी एफ नेट है वो तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि कैसे हम बोलेंगे एफ नेट जीरो, कि एफ वन टू और एफ टू वन दोनों बराबर ही होगा। इसने उसके ऊपर लगाएगा तो ये भी छोड़ेगा नहीं। आ रही बात समझ में ना? न्यूटन का थर्ड लॉ, इसने एक तमाचा मारा, आओ पार्क पे, चार लोग को बुलाएंगे, वो वाली बात नहीं है ना। सीखे थे ना हम लोग कि न्यूटन थर्ड लॉ में इसने एक तमाचा मारा, मामला खत्म। फिर वो चार तमाचा मार रहा है, वो दूसरा न्यूटन लॉ लगेगा, मारा मारे नहीं, नॉन वायलेंस नहीं, है ना। ओके, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये ना कहता है कि इसने जितना उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसने भी उतना ही फोर्स एट दैट टाइम लगाया। इन्हें कि 4 बजे आना पार्क में, वो वाला बात नहीं होना चाहिए। अभी के अभी बताओ, लगाए फोर्स उसने भी लगाया, मामला रफा दफा। ओके, अरे बस समझे ना। चलो ठीक है, तो एफ नेट का वैल्यू 0 हो चुका है। बाहर से कोई भी है ना, इस वाले बॉडी के, इस दोनों के कारण कुछ भी नेट मिला नहीं हमको, है ना। तो क्या कहेंगे तीसरा नंबर में, एफ नेट क्या मिलेगा, है ना, ऑन दिस सिस्टम बिकम्स 0। 3 के बाद 4 नंबर में अगर एक सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो मैं कहूँगा उस पर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो भी सिस्टम पर लगता है वो क्या होता है, एफ नेट बाय टोटल मास। भाई जब यही 0 है तो ये तो गया 0। एक्सेलरेशन जो भी नेट होगा वो भी हमारा हो जाएगा 0। 5 नंबर, अच्छा अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इस सिस्टम का, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा। पढ़े थे ना रे बाबा, एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, याद है हम लोग पढ़े थे ना, एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फोर्स ने ही तो बोला था कि एफ बराबर एम ए। एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा रे बाबा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इज दैट ओके? चलो ठीक है, 6 नंबर। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, यानी कि जितना मतलब इस सिस्टम का हम बात कर रहे हैं, एफ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा नेट नहीं समझ में आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम अगर लिख दें ज़्यादा बेटर रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग वेलोसिटीज चले, मासेस अलग हो, है ना, इसका मास एम वन है, इसका मास एम टू है, दोनों अलग अलग वेलोसिटीज चलेगा, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन चलेगा, इसने इसके ऊपर फोर्स सेम लगाया है। ओके, पता नहीं क्या हुआ। ओके, यह समझ में आ रही बात, इज इट ओके? नेक्स्ट 6 नंबर के बारे में बात करते हैं, क्या क्या हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, एफ नेट सिस्टम पर 0 हो गया, एक्सेलरेशन नेट सिस्टम पे 0 हो गया, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम 0 हो गया, और अच्छा हाँ, इसका अगर हम देखें, इट
इट इज अप्लाइड ऑन पॉइंट मासेस ओनली। अगर पॉइंट मास नहीं रहेगा तो हम लोग तो बस हम लोग जुगाड़ जानते हैं, लेकिन हाँ डायरेक्टली हम लोग पॉइंट मास के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। नहीं अगर पॉइंट मास है तो क्या करेंगे, उस तो वही तो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हाँ दिमाग में ये रखना है अभी कि पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा ये, अगर पॉइंट मास रहेगा तभी हम लोग पॉइंट मास होंगे, इतनी तीसरा का मास नहीं, इतने बड़े बड़े भी होंगे, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि डिस्टेंस के बीच कंपेरिजन में इसका जो डायमेंशन है वो बहुत छोटा होना चाहिए। इज दैट ओके? तो यहाँ पर ये पॉइंट मास पर ही हम लोग इसको लगाएंगे, ओके। तो उसके बाद सातवां नंबर था इसका यूनिट क्या है, है ना, यूनिट ऑफ कैपिटल जी का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, है ना। और आठवां नंबर में इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी अगर न्यूटन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल का स्क्वायर बाय एम का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से एम माइनस वन एल का क्यू टी माइनस टू। इज दैट ओके? तो ये समझ में आ रहा बात, एम एल टी माइनस टू होता था फोर्स का, एल मतलब मीटर स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जाएगा के जी का लिए एम का स्क्वायर, तो एम से दो से एक खत्म हो गया तो नीचे में बचेगा एक एम, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, एल का पावर थ्री और टी पावर माइनस में टू हो गया। चलो ठीक है, कॉपी करो, है ना, फिर अब कुछ अच्छी अच्छी न्यूमेरिकल सीखते हैं, ओके। तो एक सवाल है, है ना, पहले अभी सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। एक बॉडी है जिसका वजन है 10 केजी का, एक बॉडी है जिसका वजन है 20 केजी का, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है हमारा 20 मीटर का, और हमको निकालना है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, है ना। एक एक करके निकालते हैं, पहले देखते हैं फोर्स कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू एफ वन टू यानी कि 10 वाले पर 20 वाले ने कितना फोर्स लगाया, तो हम कह सकते हैं इसको एफ वन टू, इसने भी उतना ही लगाया होगा एफ टू वन, है ना, तो दोनों बराबर ही होगा, ये तो पता ही है। एफ वन टू जो कि किसके बराबर होगा, एफ टू वन के बराबर हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है जी पहला मास दूसरा मास अब बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, जी के जगह पे जी पहला मास है 10 दूसरा मास है 20 बाई 20 है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया हमारे पास जी पहला मास दूसरा मास बाई 400, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, और ये जीरो से जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी अपॉन 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, आ रही बात समझ में, इतना फोर्स लग गया दोनों के बीच में। अब इसी से हम निकालना चाहते हैं इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अगर हम इस 10 केजी वाले पर बात करें, ये पहला हिस्सा खत्म हो गया फोर्स का, एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी मास, एक्सेलरेशन ऑफ 10 कितना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स बाई टोटल मास, इसके बारे में बात हो रहा है, इसी के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन है F12, इसका मास कितना है 10, है ना, F12 F21 तो बराबर ही है, तो इसको लेते हैं जी अपॉन 2 फोर्स हो गया, अब बाय टोटल मास है 10, तो कितना हो गया जी अपॉन बाय 1 कर देंगे गेट 1 फ्री मिलेगा, है ना, तो 10 1 तो जी अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। इज दैट ओके? एक्सेलरेशन आ गया, जी के जगह पे हम लोग 6.67 इंटू 10^-11 पुट कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैंने वैसे ही रखा, आप लोग को पसंद नहीं है तो पुट कर लेना, पसंद नहीं है तो अच्छा, तो एक्सेलरेशन कोई मत पूछना कि नहीं पुट करेंगे तो नंबर मिलेगा वगैरह की, नहीं भाई अपनी सहूलियत है नंबर लेने के लिए, कर लेना रे बाबा मास, तो जी अपॉन F21 लिखेंगे ना इस बार, इसका एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो G अपॉन 2 बाय टोटल मास हो जाएगा 20, तो G अपॉन 40 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओ माय गॉड, एक्सेलरेशन सर बोले थे आपकी नेट जीरो होगा, यहाँ तो टिक 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 खत्म, ये क्या जी बाय 20 जी, हम पहले ही बोले थे एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग हो सकता है,
नेट जीरो मिलेगा, एक्सेलरेशन इस सिस्टम का जो भी नेट आएगा वो जीरो। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। अच्छा ये किधर की तरफ होगा, ये तो समझ में आ रहा है इधर की तरफ होगा, तो एफ टू वन क्या मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये इधर और ये इधर हो गया। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो इस वाले का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, अगर हम कह रहे हैं प्लस तो इधर की तरफ क्या लेना पड़ेगा हमको, माइनस। अरे बस समझो ना, तो हम तीसरा बात कर रहे हैं यहाँ पर से, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ए वन एम वन प्लस ए टू एम टू बाई टोटल मास, पढ़े हैं ना हम लोग, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट्स बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग लाइक दिस बट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों का सेंटर ऑफ मास किधर होगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रल फोर्स है ना, तो इसी लाइन पर तो कहीं ना कहीं फोर्स लगी रहा, ओ लगी तो रहा है, ओके यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये इसका एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, ए वन एम वन प्लस एम ए टू, ओके देखते क्या क्या आ रहा है, ए वन पहले वाले बॉडी का एक्सेलरेशन जी बाय 20, एम वन 10 के जी, दूसरे का ए टू जी बाय 40, क्यों लिखे निगेटिव, क्योंकि निगेटिव है, ओके निगेटिव है, ओके दूसरे का 20 बाय टोटल मास 10 प्लस में 20, ओ माई गॉड ये क्या हुआ, टू 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 जीरो हो गया, जीरो बाय था जीरो बाय 30 हो जाएगा, सॉरी पता नहीं ये हो जाता है क्या होता है नहीं पता, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया 0 मीटर पर सेकंड, कौन याद कर रहा था जी तुम लोग में से, पता नहीं अच्छा नहीं वो हिचकी करते ना याद होता है, तो खांसी तो नहीं करते। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया ना, ये इज इट ओके, ओके 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 ओके, कॉपी कर लो फिर देखते हैं। चलो एक सवाल देखते हैं, मान लेते हैं कि एक बॉडी है हमारे पास 10 kg का, ठीक है यहाँ पर भी रखा हुआ है 10 kg का, और यहाँ पर भी मेरे को रखा हुआ है एक 10 kg का, यहाँ नहीं रखते हैं इसको हम, यहाँ पर रख दे रहे हैं, यहाँ पर भी 10 kg का रख दिया है और इस पर भी 10 kg का, और हमको जानना है इस 10 kg वाले पर कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 meter का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है, यहाँ से तक का डिस्टेंस है 10 meters का, ओके तो यहाँ से हमको जानना है इस वाले बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा एक कोऑर्डिनेट वगैरह बना सकते हैं, इवन कोऑर्डिनेट बना हुआ रहेगा यहाँ पर, तो देखो सबसे पहली बात कि थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि ये 10 वाला इसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इसके ऊपर इधर से ऐसे एक फोर्स लगेगा जिसको हम कह देंगे F1 फोर्स, इस वाले ने भी इसको छोड़ा तो नहीं होगा, इसने भी इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया होगा F2 फोर्स, है ना, तो फोर्सेस का जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता है वो यहाँ पर लग जाएगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो भी नेट फोर्स होता है उसका वेक्टर सम निकाल लेते हैं, और इंडिविजुअल मासेस इंडिविजुअल बॉडीज के ऊपर अलग अलग फोर्सेस लगाते हैं, इसने इसके ऊपर F2 फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर F1 फोर्स लगा दिया, दोनों का हमको वेक्टर सम निकाल लेना है, तो वेक्टर सम कैसे होता है, दोनों का हमको यहाँ पर वेक्टर सम ऐसे Fnet निकाल लेना चाहिए। अब एक छोटा सा बात है, क्या कि F1 और F2 दोनों सेम होगा क्या, धीरे धीरे हुआ नहीं होगा, देखो टेन 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 देखा टेन टेन टन 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 घंटी, हाँ चलो देखो यहाँ पर, हाँ ये जो मास है 10-10 वाला, दोनों के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स कितना होगा, यहाँ पर अगर हम F2 निकालेंगे तो क्या हो जाए, जी पहला मास 10 दूसरा मास 10 बाय 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा जी, और F1 का वैल्यू हो जाएगा जी पहला मास 10 into 10,
तो ये भी कितना आ जाएगा जी। ओ माय गॉड, दोनों तो बराबर है सर। इसका मतलब दोनों का वैल्यू हो गया एफ, इसका भी वैल्यू एफ हो गया। तब इसी बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लग गए, यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लग गए, ऐसे एफ, इधर से भी एफ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ रूट टू हो जाएगा क्या। तो अगर हम देखें एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा एफ रूट टू, तो एफ का वैल्यू तो हम यही कह सकते हैं ना, जी है, तो जी रूट टू न्यूटन आंसर। इज दैट ओके, एकदम आसान हो गया है ना। तो इसी तरह से करके हम लोग न्यूटन्स लॉ को देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ के ऊपर आज इसका फर्स्ट पार्ट था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। हम लोग कल एक अच्छा से वीडियो लेकर के आएंगे, उसके न्यूमेरिकल पर कुछ अच्छे अच्छे और धमाकेदार न्यूमेरिकल होंगे। आप लोग ट्राई करो है ना, बहुत सारा आज बेसिक चीज़ों के बारे में बात किए हैं, सिंपल सिंपल फोर्सेस थे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर सकते थे आज भी, ठीक है, किए भी हैं हल्का फुल्का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे कल के लिए। ओके, बाय बाय।